आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी को लड़ो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं और हमारे प्रदेश महाराज की वो सभी सीटों पे बहुत मजबूत लड़ेंगे। आज मैंने उनकी तैयारी का भी वो लिया है, उनकी तैयारी सभी सीटों पे होगी। उन्होंने बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सब तैयार कर लिया है। मजबूत प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लासे गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं। सरकार संज्ञान ले, इनकी तो आंतरिक लड़ाई खत्म हो रही है। इनकी आंतरिक लड़ाई खत्म हो जाए तो ये साथ जनता के बारे में सोचे। तो बहुत पीड़ा में है उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में सोचे। ऐसा मेरा विश्वास है कि लखनऊ की बात उन तक जाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है कि वो इन गरीबों के बारे में और स्पेशली अदर कैनाल में जो जुल्म होने वाला है उसके बारे में सोचें। अगर सरकार तानाशाही पर रहेगी तो हमें आंदोलन के जरिए इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। मैं स्वयं वहीं आके बैठ के उन गरीबों की आवाज़ बनने काम करूंगा। मुख्यमंत्री ने वादा तो किया है कि पत्रकारों के साथ अन्याय होगा, लेकिन मैंने तो बनारस में अभी एक SDM को पिटते हुए देखा। यहाँ कौन सुरक्षित है? अधिकारी सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है। और मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो उनको जो वेस्ट लैंड है, बंजर भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, वंचित वर्गों में बांट देना चाहिए उस भूमि को, जिससे कि वो लोग खेती किसानी करके कोई रोजगार तो नहीं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। तो जो वेस्ट लैंड है उसको गरीब कमजोर तबके में बांट देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं पूर्वांचल के, जहाँ से मैं आता हूँ नगीना लोकसभा से, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर बाढ़ से ग्रसित होने वाले हैं। सरकार चाहे तो उन लोगों के जीवन को सुरक्षित कर सकती है। बहुत लोगों की जाने जाती, बहुत फसलें उजड़ जाती है, मुआवजे के नाम पे चंद सिक्के दिखाए जाते हैं। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि नींद से जाके मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को सुन लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसपे आज चर्चा आपको मुझे करनी है, उसके लिए मैं वहां से यहाँ चल के भी आया हूँ। भारत का संविधान किसी भी तरह के भेदभाव को अस्वीकार करता है, लेकिन मेरे पड़ोस के जिले में जिस तरह से ठेली दुकान वालों को नाम और जाति, अब हमें जाति से कितने दिन हो गए बचते हुए, क्योंकि जाति के आधार पर शोषण होता है उससे हम बचते हैं, धर्म के आधार पर जो शोषण होता है उससे बचते हैं, उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये जो किया जा रहा है ये ना न्याय संगत है, ना कानून संगत है, ना ही संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार ठीक। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, अगर आपके अधिकारी बेलगाम होंगे तो उन पर लगाम लगा लो। और अधिकारी बेलगाम नहीं, आपका प्रोजेक्ट है तो आप इसको ऐसा ना करो, क्योंकि कावड़ियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। कावड़ियों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व जब चिन्हित होगी दुकान कि ये रहीम की दुकान है या ये राम की दुकान है, किसी भी दुकान कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकता है, पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हमें अपने प्रदेश की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, इसलिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाएं। और अगर ये आपकी योजना हो तो कृपया ऐसी योजनाओं पे दोबारा पुनर्विचार ना करें। ये योजना प्रदेश को खंडित करने के लिए है। जाति धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ के संविधान ने इकट्ठा किया था। आप बात करते हो अखंड भारत की और अपने अपने प्रदेश में इस तरह की चीजें कर रहे हो, बांटने का काम कर रहे हो, ठीक नहीं। तो मैं ऐसी जो भेदभाव करती है धर्म और जाति के आधार पर, इन सारी चीजों को, सारे जो है योजनाओं का, को कंडम करता हूँ। और ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाने की और पुनः ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ। और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, अब वो तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि राम भरोसे।